बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सूखी सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बनाते हैं आलू बैंगन की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले हमको एक पैन में तेल गरम करना है। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, प्याज कटा हुआ रखेंगे। हमको प्याज को इसी टाइप से काटना है, लंबे लंबे स्लाइस में, छोटे छोटे नहीं काटना है। अब मैं इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। मैंने लहसुन और मिर्ची को एक साथ ही पीस लिया है। लीजिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। धनिया 1.5 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली डाली इसलिए मैं रेड चिली नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कटे हुआ आलू और बैंगन एक साथ डाल दूंगी। हमको अच्छे से चला देना है इसको। नमक डाल दूंगी। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। अब मैं इसको 5 मिनट ढककर इसमें छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। चलिए तो आप देखते हैं हमारी सब्जी कंप्लीट हो गई। अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए पूरी तरह से पक चुके हैं आलू बैंगन दोनों ही पक गए हैं। अब मैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालूंगी। अब मैं 2 मिनट के लिए और रख दूंगी इसको। चलिए तो हम देखते हैं हमारी सब्जी को क्या हाल है। देखिए बनकर तैयार है आलू बैंगन की सूखी सब्जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑनियन ऊपर से डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा कोरिएंडर। तो लीजिए हमारी आलू बैंगन की सब्जी तैयार है। Thank you.